दोस्तों, सनी देओल इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों में व्यस्त है। घायल फिल्म के सीक्वल के बाद सनी देओल ने यमला पगला दीवाना सीक्वल के साथ लोगों को खूब हंसाया था। अगर ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अब सनी देओल सुपरहिट फिल्म घातक को एक फ्रेंचाइजी का रूप देने वाले हैं। सनी देओल ने घातक का पार्ट 2 लेकर राजकुमार संतोषी से बात भी की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सनी देओल की दमदार फिल्म घातक के बारे में ही बताने वाले हैं, और घातक के सीक्वल में आपको नया क्या देखने को मिलेगा और उसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। दामिनी, घायल और घातक जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी लगभग 22 सालों के बाद साथ आने वाली है। घातक के पार्ट 2 के अलावा भी ये एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये आनंद एल राय के बैनर तले राजकुमार संतोषी की अगली पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, जिसका नाम फतेह सिंह है। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। घातक 2 की बात करें तो सनी देओल को इस सीक्वल के लिए अच्छी कहानी मिल गई है, लिहाजा वो जल्द ही इस फिल्म पर काम शुरू करना चाहते हैं। ये एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें मुख्य किरदार में सनी देओल ही नजर आएंगे। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट को दमदार बनाने की तैयारी चल रही है। घायल के सीक्वल के साथ सनी देओल ने धमाकेदार कमबैक किया था और फिर वो एक के बाद एक फिल्में साइन कर रहे हैं। 2017 में भले ही सनी देओल की फिल्म पोस्टर बॉयज ज्यादा ना चल पाई हो, लेकिन जिन्होंने भी फिल्म देखी उन्हें सनी देओल कॉमेडी अंदाज में भी काफी पसंद आए। वहीं भैया जी सुपरहिट फिल्म में सनी देओल प्रीति जिंटा और अमीषा पटेल के साथ मुख्य किरदार में नजर आए। इस फिल्म में सनी देओल गैंगस्टर के रोल में खूब जचे और लोगों ने उनके इस अंदाज को पसंद भी खूब किया। वहीं सनी देओल अपनी विवादित फिल्म मोहल्ला 80 के लिए भी काफी सुर्खियों में रहे थे। इस फिल्म की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की वजह से ये फिल्म रिलीज होने के लिए काफी तड़प रही थी और सेंसर बोर्ड इसको काफी दिनों से टाल रहा था। वहीं घातक के अलावा सनी देओल साउथ की सुपरहिट फिल्म C3 के हिंदी रीमेक के लिए भी फाइनल हो चुके हैं। ये भी एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी, जिसका निर्देशन रवि के चंद्रन करेंगे। आनंद एल राय के बैनर तले राजकुमार संतोषी की अगली फिल्म पीरियड ड्रामा होगी, जिसका नाम फतेह सिंह है। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। राजकुमार संतोषी 5 सालों से इस कहानी पर काम कर रहे हैं। जब सनी ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें ये काफी पसंद आई और उन्होंने फटाफट ये फिल्म साइन कर ली। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज होनी थी, लेकिन ये फिल्म फिलहाल होल्ड पर चल रही है। 20 साल पहले सनी देओल की फिल्म घातक दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ गई थी। इसके दमदार डायलॉग्स लोगों को आज भी याद हैं। घातक के रिलीज होने के बाद सनी देओल के सितारे आसमान छूने लगे थे। फिल्म में उनके डायलॉग्स और एक्शन हर गली नुक्कड़ पर सुने जा सकते थे। फिल्म में उनके अलावा और भी कई स्टार्स थे। घातक फिल्म में अमरीश पुरी ने भी यादगार भूमिका निभाई थी। डैनी की भूमिका भी काफी सराही गई थी। इस फिल्म में इतने दिग्गज कलाकार होने की वजह से ही ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही थी। और दोस्तों, अब सनी देओल और राजकुमार संतोषी घातक जैसी धमाकेदार फिल्म का सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं, और वो इस फिल्म को पिछली फिल्म के जैसा ही धमाकेदार बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप घातक फिल्म का सीक्वल देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की और भी ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।